बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम बिंदास चल रहा है। और बिंदास चलने का मतलब होता है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वालों को लोगों को बोलते हैं पॉजिटिव नमस्कार कर लो आपस में, तो एक दूसरे की एनर्जी जो है ना, मतलब गिव एंड टेक हो जाती है, और फिर वो बड़ी एनर्जी रोशनी बन जाती है। कितनी बकवास हो गई ना, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हो तो आपकी पॉजिटिव स्पिरिट रहती है, नेगेटिव लोगों की चीज़ें देखते हो तो फिर नीचे हो जाता है सर। तो जवान का जो day 37 है वो अमेजिंग रहा है, और 71% इसकी नेशनल ऑक्यूपेंसी की एवरेज रही है। 4.2 करोड़ इसने कमाया, 631.5 करोड़ भी इसका टोटल हो गया। अब देखो, आज इतने लोगों ने भर भर के खरीद लिया, अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सैटरडे वाले दिन जो इसका 38th day है वहाँ पर कितनी कलेक्शन आ सकती है। तो मैंने आपको बोला था कि इसको शायद 3 दिन मिल जाएंगे ठीक ठाक अचीवमेंट करने के लिए। एक तो आज फ्राइडे होना ही था, और सैटरडे संडे के अंदर जो बड़ा नंबर आएगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन 2-2 करोड़ रुपए के आसपास का आ सकता है। तो अभी इंडिकेटिवली उसी तरीके के जोन में मुझे लग रहा आता हुआ, क्योंकि जो हिंदी का जो एडवांस बुकिंग अभी आया है वो करीबन 65 लाख रुपये है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 175 से 2 करोड़ रुपीज़ के बीच में कल ये कलेक्शन करेगा, वो भी इसी वजह से। एक तो मैचेज हैं, दूसरा ये जो चस्का लगा 99 का वो उतर गया, अब बैक टू नॉर्मल। 150 रुपये की टिकट, कहीं 200 रुपये की टिकट, कहीं कहीं तो 300-400 रुपये की मल्टीप्लेक्स में, तो फाफे से 250 टप जाएगा। तो मोटा मोटा इस तरीके से इसका चलने वाला है। फुकरे भी आई थिंक मेरे ख्याल से कल 1.5-2 करोड़ रुपये करेगा। मिशन रानीगंज विल ड्रॉप अगेन टू आई थिंक 1.25 करोड़ रुपीज़, ये मेरा एस्टिमेटेड day 9 का, और फुकरे का तो day 17 होगा कल। तो इस तरीके से ये तामझाम कल चलने वाला है। शॉर्ट रखते हैं वीडियो को, जल्दी मिलते हैं कल। कल को मिलते हैं, अभी थोड़े एक दो वीडियो और हमें टाइगर पे भी विचार विमर्श करना है कि टाइगर का जो रिलीज डेट है उसका क्या प्रोग्राम है, क्या वो डेट ठीक है। बात करते हैं, बाय बाय।